वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बिलियन डॉलर को पार कर चुका है 2022-23 के जो आंकड़े आए थे। और इससे ये पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में जो ये दोस्ती है, जो ये समझौता है, ये कितना और ज्यादा मजबूत हो रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच एक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, यानी यूएई के लोग और भारत के लोगों के बीच जो सीधा संबंध है, जो एक सांस्कृतिक संबंध है, वो भी अपने आप में दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करता है। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि जब इस मंदिर का उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहां पर बड़ी संख्या में भारत से श्रद्धालु आएंगे, तो यहां की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। और इस यहां की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने में सबसे ज्यादा योगदान भारतीयों का ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय इन इलाकों में आकर रहते भी हैं, कामकाज करते हैं, साथ ही यहां भारतीय घूमने भी आते हैं। अब जो भी दुबई आएगा या आसपास की जगहों पर आएगा, अबू धाबी के इस मंदिर में दर्शन करने एक बार वो जरूर आ सकता है, क्योंकि यह जो लोकेशन है ये अबू धाबी और दुबई के बीच में है, यानी बहुत ज्यादा समय ना तो यहां से दुबई जाने में लगेगा और ना ही अबू धाबी में जाने में लगेगा, क्योंकि अबू धाबी शहर से मुझे आने में यहां मात्र 25 से 30 मिनट का वक्त लगा था। और इस मंदिर की कुछ विशेषताएं मैं अपने दर्शकों को लगातार बता देता हूं कि उत्तर भारतीय नागर शैली में यह मंदिर बना है, अबू धाबी का हिंदू मंदिर, बीएपीएस संस्था के द्वारा इसे बनाया गया है। मंदिर में 7 शिखर है, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, 7 शिखर मतलब 7 अमीरात का प्रतिनिधित्व ये करते हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात आते हैं जिनसे मिलकर यह पूरा एक देश बना हुआ है। और इस मंदिर में 410 स्तंभ हैं और इन सभी स्तंभ पर अलग अलग देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं, यहां पर उनके पत्थरों की बहुत अच्छी तराशी की गई है, पिलर्स ऑफ द पिलर भी बनाया गया है। एक पिलर में मैंने 1400 पिलर बने हुए यहाँ पर देखे हैं, जो कि इटालियन मार्बल से बनाए गए हैं, इनकी भी अपनी एक अलग खासियत है। और इसके अलावा यह मंदिर 108 फीट ऊंचा है, लेकिन जब इस मंदिर में मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि यह अयोध्या के राम मंदिर से मिलता जुलता ही बना हुआ है, कुछ वैसा ही सिंह द्वार यहाँ पर दिखाई देता है, राम मंदिर जैसी सीढ़ियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, राजस्थान के पत्थरों का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में हुआ, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के निर्माण में हुआ है, नागर शैली में राम मंदिर बना है, नागर शैली में यहाँ अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर भी बनकर तैयार हुआ है। और राम मंदिर का शिखर हालांकि 161 फीट ऊंचा है, लेकिन इस मंदिर का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 108 फीट का है, अपने आप में यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लॉक एंड की विधि से यहाँ पर इस मंदिर को बनाया गया है, इस विधि का प्रयोग एक दूसरे से पत्थरों को जोड़ने में किया गया है, और उस जरिए ऐसा ही कुछ इसी लॉक एंड की विधि का प्रयोग राम मंदिर के बनाने में भी किया गया था। इसके साथ भारत में भी पत्थरों को तराशा गया है जिनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में हुआ है, लगभग 5000 मजदूरों ने पत्थर को 30,000 टुकड़ों में तराशा है। और इन टुकड़ों में जो सबसे छोटा पत्थर मुझे यहाँ पर बताया गया वो लगभग 10 ग्राम का था, और जो सबसे हैवी पत्थर था वो 6 टन के आसपास था, और इन सभी पत्थरों को भारत से शिप के माध्यम से यूएई में मंगाया गया है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा इस मंदिर में होगी, तो देखिए सबसे पहले भगवान श्री स्वामी नारायण, जो कि इस संस्था के संस्थापक माने जाते हैं, उनकी मूर्ति ही यहाँ मुख्य गर्भगृह में रखी गई है, उनके साथ गुणाटीनंद स्वामी जी की मूर्ति है, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति एक शिखर के नीचे रखी गई है जहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तीसरा राम जी का दरबार है, भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इनका पूरा एक दरबार एक शिखर के नीचे बनाया गया है जहाँ पर श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। एक शिखर के नीचे भगवान शंकर, माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, यानी शिव परिवार के दर्शन यहां पर आने वाले दिनों में श्रद्धालु कर पाएंगे। एक शिखर के नीचे भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है ताकि लोग यहां पर आकर उनके भी दर्शन पूजन कर सकें। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहां पर भगवान श्री श्रीनिवास और पद्मावती जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, स्वामी श्री अयप्या जी की प्रतिमा स्थापित की गई है ताकि श्रद्धालु उनके भी आकर दर्शन पूजन यहां पर कर सके। क्योंकि जब मैं संयुक्त अरब अमीरात में यहां पर पहुंचा तो मैंने देखा यहां पर बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग ही आपको हर कदम पर टकरा जाएंगे, खासतौर पर केरल के लोग सबसे ज्यादा इस यूएई में रहते हैं और अलग अलग इलाकों में कामकाज करते हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है, तो इसीलिए आपको यहां पर पूरी तरह से जब आप इस मंदिर परिसर में घूमेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक भारत के तमाम जो मानने वाले लोगों की जिनकी आस्था है देवी देवताओं में उनकी प्रतिमाएं यहां पर स्थापित की गई हैं। अब अगला आपके मन में सवाल होगा कि इस मंदिर परिसर में क्या क्या सुविधाएं
होंगी जब आप यहाँ पर आएंगे इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ एक स्वागत केंद्र बनाया गया है जहाँ पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा, उन्हें इस मंदिर परिसर की पूरी जानकारी दी जाएगी और इसके साथ यहाँ पर ऑडियो वीडियो एक शो सेंटर बनाया गया है जहाँ पर मंदिर निर्माण की पूरी कहानी आम श्रद्धालुओं को दिखाई जाएगी। तीसरा, एक प्रार्थना हॉल बनाया गया है जहाँ पर साप्ताहिक पूजा समारोह का आयोजन किया जाएगा, धार्मिक त्योहारों का आयोजन किया जाएगा। जो हिंदू यहाँ पर रहते हैं वो आकर तमाम अपने जो धार्मिक त्योहार है उनका आयोजन इस मंदिर के प्रार्थना हॉल में कर सकते हैं और अन्य जो धार्मिक इवेंट है उनका भी यहाँ पर आयोजन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इस मंदिर परिसर में मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया गया है। मल्टीपर्पज हॉल का मुख्य मकसद है संवाद और आध्यात्मिकता को बढ़ाना, यानी जो श्रद्धालु यहाँ पर आए वो भारतीय आध्यात्म को समझ सके, सनातन धर्म को समझ सके, भारतीय संस्कृति को समझ सके। वो यहाँ पर मल्टीपर्पज हॉल में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके बाद यहाँ पर एक क्लासरूम भी बनाया गया है इस मंदिर परिसर में। क्लासरूम का मुख्य उद्देश्य होगा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देना और ये सभी उम्र के लोगों को इस क्लासरूम में जो इस मंदिर में बनाया गया है उसमें दी जाएगी। इसके साथ कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर इस मंदिर परिसर में बनाया गया है। कम्युनिटी सेंटर का मुख्य उद्देश्य ये है परिवार और समुदाय के बीच पारस्परिक जो संबंध है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, शांति की तरफ पूरी दुनिया को एक संदेश दिया जाए। ये इस कम्युनिटी सेंटर के माध्यम से ऐसे तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि इसका एक सही प्रयोग हो सके। इसके अलावा थीमेटिक गार्डन्स यहाँ पर बने हैं, उसमें भी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलेगी। खासतौर पर भारतीय आध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर थीमेटिक गार्डन्स का प्रयोग किया जाएगा। एमपी थिएटर यहाँ पर एक बनाया गया जहाँ पर शाम की आरती का स्थान है, जहाँ हर रोज यहाँ शाम को आरती होगी। इसके अलावा यहाँ फूड कोर्ट भी बनाया गया है और उस फूड कोर्ट में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध होगा अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर में। इसके अलावा गिफ्ट शॉप्स की भी यहाँ पर एक सेंटर है, वहां पर भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो तमाम या इस मंदिर स्वामीनारायण संस्था से जुड़े हुए जो गिफ्ट आइटम्स हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर आकर खरीद सकेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में यहाँ पर एक लाइब्रेरी की भी स्थापना होनी है, खेल केंद्र की स्थापना होनी है और तमाम जो प्रदर्शनी के केंद्र हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो बहुत ही खास है यहाँ अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर। और इसके साथ ही साथ अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर आने वाले दिनों में और ज्यादा भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई पड़ सकती है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, हम आपको वो तमाम तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में इन सीढ़ियों पर आने वाले हैं क्योंकि मंदिर परिसर तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत खास बात यह है कि यहां से सर्वधर्म सद्भाव का एक बड़ा संदेश अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर यहां दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच चुके हैं और सर्वधर्म सद्भाव का जो संदेश है वो कैसे है, मंदिर के जमीन को दान करने के लिए मुस्लिम ने इस जमीन को दान किया है यूएई के राष्ट्रपति ने। इसके अलावा प्रमुख जो इसके आर्किटेक्ट हैं वो ईसाई धर्म से आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इसके सिख हैं, जो इसके इंजीनियर हैं वो बौद्ध धर्म से हैं, जो इस कंपनी को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पारसी हैं, इस मंदिर के जो डायरेक्टर हैं वो जैन हैं और निर्माता हिंदू यानी बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था है। तो कुल मिलाकर मंदिर की मैंने तमाम विशेषताएं आपको बताई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के साथ ही यहां पर मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा और मंदिर उद्घाटन के बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे जो उनका इंतजार कर रहे हैं और किसी भी वक्त अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। लेकिन अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक मजबूत दोस्ती का प्रतीक कैसे बना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूं क्योंकि यूएई एक ऐसा देश है जो यहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों को रिसीव करता है, बड़ी संख्या में भारतीय यहां पर रहकर नौकरी करते हैं और जिनकी संख्या लगभग 35 लाख के आसपास है, भारतीय समुदाय के लोग 35 लाख की संख्या में यहां पर रहते हैं और ये सभी
यहाँ पर जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं उन सभी के लिए एक ऐसा बड़ा ये आस्था का केंद्र बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है, जहाँ पर लोग आ सकते हैं, अपने धार्मिक आयोजन कर सकते हैं और इससे यूएई की इकोनॉमी बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों की बात भी हमें यहाँ पर जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है काफी पुराना है, काफी मजबूत है और 2014 के बाद से इन संबंधों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है ये रिश्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दोनों देशों के बीच में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा किया है अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान। और आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले दिसंबर में यहां पर आए थे, जब COP28 के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था। तमाम द्विपक्षीय मुलाकातें उस दौरान हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इस बार का दौरा तो बेहद खास इसलिए है क्योंकि कई अहम समझौते भी भारत और यूएई के बीच में हुए, खासतौर पर निवेश ट्रीटी जो दोनों देशों के बीच में हुई है। इसके अलावा भारत यूरोप मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर जिसे G20 में लॉन्च किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में, उस पर भी यहां बातचीत हुई है। बातचीत और ज्यादा आगे बढ़ी है क्योंकि भारत का सबसे अहम रोल है और आने वाले दिनों में भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप और उसके आगे तक तमाम जो सामान पहुंचाने का सिलसिला है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। उस मुद्दे पर भी यहां भारत और यूएई के बीच में बातचीत हुई है। देखिए, अगर हम कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को बताना चाहें कि कैसे भारत और यूएई के बीच में व्यापार लगातार बढ़ रहा है, तो भारत और यूएई के बीच में 1970 के दशक में यह व्यापार प्रतिवर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो कि 22 और 23 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दोनों देशों के बीच में दोस्ती को, दोनों देशों के बीच में संबंध को